नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रह अलग अलग राशियों में घूमते रहते हैं। जब भी कोई ग्रह राशि बदलता है तो उसका असर सभी राशि वालों के जीवन पर होता है। ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह माने गए केतु ग्रह ने भी राशि परिवर्तन किया है। केतु किसी भी राशि में जाने के बाद यहाँ पर 18 माह तक रहता है। 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गए केतु अब मार्च 2025 तक कन्या में ही रहने वाले हैं। केतु के इस प्रवास का अच्छा और बुरा असर सभी राशियों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के व्यवसायियों पर केतु गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। पहली है कर्क राशि। कर्क राशि के कारोबारियों को इस 1.5 साल के दौरान नेटवर्क को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। व्यापार में आगे बढ़ाना चाहिए और प्रगति करनी चाहते हैं तो आपको रिस्क भी लेना होगा। ऐसा करने से ही आपको व्यापार में लाभ होगा। लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि दिमाग को सक्रिय रखेंगे तो आगे बढ़ने के कई मौके हाथ लगेंगे। इसके बाद है सिंह राशि। सिंह राशि के कारोबारी अपने मृदुल और विनम्र वाणी के दम पर फायदा कमाएंगे। उनकी वाणी की मिठास का असर आपके व्यापार को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसीलिए कार्यस्थल ही नहीं सभी स्थानों पर आप मीठी वाणी का ही प्रयोग करें। अद्व्यर्थी बात करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपको बातों का गलत मतलब निकाल कर आपके बारे में अफवाह फैलाई जा सकती है और फिर आपको सफाई देते रहना होगा। आर्थिक स्थिति आपकी परेशान का कारण बन सकती है। केवल खर्च ही नहीं करते रहना है बल्कि भविष्य के लिए धन संचय करने पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कठिन मेहनत के बाद ही आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी। इसके बाद है कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को केतु गोचर मिला जुला फल देगा या यूं कहें कि धीरे धीरे शुभ फल देगा। कन्या राशि के जातक समय के साथ धीरे धीरे आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। आपके रुके हुए काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में रहना होगा। जितना हो सके नेटवर्क को मजबूत रखें क्योंकि आगे चलकर आप अच्छे नेटवर्क के दम पर लाभ कमा सकेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।